ये पाक सरजमीन है, ये पाक सरजमीन हैदर की सरजमी है, ये हैदर की सरजमी। इस्लाम का कला है, ये इस्लाम का कला। सदका बतूल का है, ये सदका बतूल का। ये परचमे हुसैन है, ये परचमे। यौमे आजादी, पूरी कौम आजादी की राह पर इमाम आजादी की बैयत करे और इमाम आजादी से आजादी की अबजद सीखे। आजादी का जुलूस, जुलूस आजादी हो लेकिन परचम इमाम हुसैन के साथ, लबैक या हुसैन के साथ। ऐ अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, ऐ अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास। परचम नबी का चांद सितारा अली का है, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी, जो हम एक लिहाज से कहें कि ये एक तकारुन मुबारक है कि इस साल का यौम आज़ादी मुहर्रम में आया है। और आज़ादी जो हुसैन सिखाते हैं वो ये नहीं है कि बाउंड्री लाइन बना दो, उधर तुम चले जाओ, इधर ये रहें, ये इधर जलील रहें, तुम उधर जलील रहो और फिर इस दिन को आज़ादी का नाम दो। ये हुसैन इब्ने अली की मंतिक में आज़ादी नहीं है, ये ग़ुलामी है। आज़ादी यानी तौ के जिल्लत गर्दन से उतार फेंकना। कल 14 अगस्त है और मुहर्रम में है, अय्याम आज़ाए हुसैन इब्ने अली में है। और 5 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में हैं। क्यों करबला में हैं? जिल्लत का तौक गर्दन से उतारने की वजह से करबला में हैं। ये करबला पाकिस्तान में बननी चाहिए, होगी। जिस दिन अमेरिका की ग़ुलामी का तौक गर्दन से निकालोगे, जिस दिन बिन सलमान की ग़ुलामी का तौक गर्दन से निकालोगे, जिस दिन बरतानिया की ग़ुलामी का तौक गर्दन से निकालोगे, जिस दिन अंग्रेज़ी की ग़ुलामी का तौक गर्दन से निकालोगे, जिस दिन ये जिल्लत की जंजीर तोड़ोगे, उस दिन हुसैन का रास्ता शुरू हो जाएगा। ऐ अर्ज़े पाक तुझको मुबारक तेरे पास, ऐ अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, ऐ अर्ज़े पाक तुझको मुबारक के तेरे पास। परचम नबी का चांद सितारा अली का है, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। ये परचमे हुसैन है, ये परचमे हुसैन। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। ये परचमे हुसैन है, ये परचमे हुसैन, ये परचमे हुसैन है, ये परचमे हुसैन, ये परचमे हुसैन है, ये परचमे हुसैन।